मौज़े सामईन कराम, आप सुन रहे हैं किताब स्नो लेक, मकाम दरियाए बराल्डो, सब हेडिंग दासू का पुल, मेरी सल्तनत के इवज़ एक घोड़ा और दरियाए बराल्डो पर पत्थरों की बारिश। दरियाए बराल्डो के उस पुल के पार हम गए और जीपें वहीं रुक गईं। तो ज़रा फासले पर जब हम हाँपते हुए पसीना आलूद चलते थे तो चंद कुबड़े और ना आसूदा दरख्त दिखाई दिए, जिनकी छतरी छाँव में हमने तादेर आराम किया। यहाँ इन दरख्तों तले जले हुए चूल्हों के आसार थे, खाली जंग आलू टीन के डब्बे थे, प्लास्टिक के बैग तेज़ हवा से सफ़ेद सपोलियों की तरह सर उठाकर सरसराते थे। हमें ये खबर करने के लिए कि यहाँ कोनवर ठहरे थे, खैमा जन हुए थे। हम इस कोनवर्दों की आर्जी सराय की छतरी छाँव में कुछ देर ठहरे और फिर चलने लगे। हमने कहाँ जाना था, शब किधर करनी थी, हमें मालूम ना था, इसलिए हाँपते अपनी किस्मत को कोसते चलते गए। हर कोनवर्द किसी न किसी मुकाम पर अपनी किस्मत को ज़रूर कोसता है कि उसने यह हिमाकत क्यों की, लेकिन वो इसका इकरार नहीं करता। इकरार कर ले तो उसके घर वाले कभी उसे घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त ना दें। आम हालात में यह रास्ता हरगिज़ मुश्किल ना था। दरियाए बराल्डो भी एक फासले पर था, गहरी खाइयाँ भी ना थीं, ऊपर से पत्थर भी नहीं आ रहे थे। आप एक मुख्तसर रोड पर चलते जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को मुश्किल और बेजार ये ख्याल बनाता था कि सिर्फ चंद बरस पेशतर आप कितनी बेपरवाही और आसानी से एक जीप में बरा जमा यहाँ से गुज़र गए थे और थिंगल पहुँच गए थे, और अब आपको यहाँ खून पसीना एक करना पड़ रहा है। दरियाए बराल्डो के हम बार बार शुक्रगुजार होते थे कि वो एक मुनासिब दूरी पर था और हम चट्टानों के अंदर कड़ी धूप की सफ़र में चलते जा रहे थे। हम सब मुंह खोले सांस की मुशक्क़त में मुबतला थे, लेकिन वैदा अपनी पोनीटेल लहराती यूं इत्मीनान से चल रही थी जैसे टोक्यो के पाश इलाके गिंजा में सरे शाम सैर कर रही हो। ये उन बादामों का असर भी हो सकता था जो उसे बका ने हिशोपी में खिलाए थे। दोपहर के खाने के लिए हम रोड के पहलू में एक कद आदम खास के ज़खीरे के अंदर गए और वहाँ चट्टानों से उतरने वाला एक चश्मा भी था जो उस घास में गुम होता था। मैंने अपने जॉगर्स के तस्मे खोले और जब मेरे पांव बाहर आए तो उन्हें सर्द हवा ने अपनी लपेट में लेकर ऐसे ताज़ा किया कि वो नौ मौलूद बच्चे की तरह किलकारियां मारने लगे। हम सब घास की ठंड के अंदर पोशीदा होकर के ये कद आदम घास थी और हम एक दूसरे को दिखाई ना देते थे उसकी सब्ज़ ठंडक में औंधे होकर लेट गए। हम ज़्यादा नहीं चले थे, लेकिन ये हमारा पहला दिन था। हमारे बदन अभी लाहौर, मुल्तान और स्कर्दू में थे और उन्हें अभी कम ऑक्सीजन और बुलंदी की खाली और तेज़ धूप की आदत ना थी। लंच के लिए क्या शानदार ज़ियाफ़त थी, क्रैकर बिस्किटों पर सार्डियन मछली, पनीर, जूस और आगाज़ के तौर पर चिकन कॉर्न सूप। सलमान मेरे पास आ गया, सर आप लीडर हैं, आप फैसला करें। उसका दोस्त आमिर, जो आमिर केटू ना था, एक जूनियर आमिर था, उसके पहलू में खड़ा हंसप आदत बेतहाशा दांत ऐसे निकालता था कि उसके हंसने की आवाज़ तक ना आती थी। वो एक खामोशी से हंसने वाला शख्स था जो दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं पाया जाता। क्या मसला है सलमान, मैंने फ़ौरन लीडरी के लिए जो जाली संजीदगी दरकार होती है और जिसके अंदर आप अपनी तमाम तर जहालत और करप्शन छुपाते हैं वो इख्तियार कर ली। मसला ये है सर कि क्या सिर्फ बका भाई जापानी लड़की को बादामों की गिरियां और मछली और पनीर ऑफ़र कर सकते हैं या हमारा भी कोई हक है? आफ्टर ऑल ये खुराक तो मैं इस्लामाबाद से ख़रीद कर लाया हूँ और मुश्तरका फ़ंड से लाया हूँ, इसमें मेरी लीडरी नहीं तुम्हारी शक्ल काम आएगी। सर अगरचे आमिर मुझे मोटूस कहता है और मुझे अपने आप पर बहुत एतमाद है, और सर बका भाई अपने भाई हैं, लेकिन उनकी शक्ल तो सिवाय उनकी बेगम के किसी और के काम की नहीं, इसलिए आपकी जानिब से इजाज़त है ना, प्लीज़ ट्राई योर लक। अब सूरत हल ये थी
इसका दादम घास के ठहराव में के लीडर के अलावा जो उम्र रसीदा होने के इत्तफाकी हादसे की वजह से इस कंपटीशन में शामिल होने से आजिज था, सब टीम मेंबरान वैदा के आगे सर झुकाए खड़े थे और उसे तरह तरह की खुराकें ऑफ़र कर रहे थे और हैरत अंगेज़ तौर पर वो उन सब की पेशकश कबूल कर रही थी और हर शय हड़प किए जा रही थी। मैंने दुनिया में किसी और कौम को इतने मुख्तसर बदन और तहजीब याफ्ता पस मंज़र के साथ पूरी दिल जमई के साथ जी भर के खाते नहीं देखा जैसे कि जापानी खाते हैं। मेरे उर्दू दान दोस्त जो ओसाका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन दिनों जापानी तुलबा को केटू कहानी के इब्तदाई बाब निसाब के तौर पर पढ़ाते हैं, सिर्फ आमों के मौसम में पाकिस्तान आते हैं और नाश्ते दोपहर के खाने और शाम के खाने में सिर्फ और सिर्फ आम खाते हैं और बर्फ़ में लगाकर बाल्टी भर के खाते हैं। चुनाचे वैदा जापानी अगर एक आह करके झुकती हुई अपने हजूर में पेश की जाने वाली हर खुराक स्कूले रोड के दरमियान कहीं कद आदम खास और एक चश्मे के किनारे अगर खाती चली जा रही थी तो इसमें मेरे लिए हैरत का कोई सामान ना था। टीम मेंबरान का ख्याल था कि अगरचे अभी धूप और दोपहर है लेकिन यहाँ खैमे नसब करके शब बसरी का ख्याल बुरा नहीं, क्या मालूम आगे कोई कद आदम घास का कता है या नहीं, अगर है तो वहाँ कोई आब हयात चश्मा है या नहीं। लेकिन यूसुफ नातवा नहीं मानता था, साहब अभी आगे चलना है। चुनाचे हम उस चश्मे और कद आदम घास से जुदा होकर आगे चलने लगे। हम अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उस घास की लंच ब्रेक आसूदगी और सुकून अभी हमारे रगों पै में था कि मेरे कानों में किसी फनियर नाग या रेटल स्नेक की शूक से ज़्यादा खौफनाक और पुरखतर एक मध्यम सरसराहट सुनाई दी और उसने मुझे चुकन्ना कर दिया। एक आम पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए यकदम जब हवा के शोर में और पानी की आवाज़ में एक और आवाज़ शामिल होती है तो वो कोहनवर्द को चुकन्ना कर देती है, जैसे वरगोत जंगल के शुनीदा और शुनीदा के बोध मानन वैदा तवील दमों वाले नाकों को छू कर परवाज़ करने वाले परिंदों के वरगोत जंगल से ज़रा इधर एक थक हार कर ढेर हो जाने वाली कैफियत में मेरे कानों में जो सरसराहट आई थी वही सरसराहट मुझे अब सुनाई दी। वरगोत ग्लेशियर में से उतरने वाले तीन नाले शाम की स्याही में सफ़ेद शोकती बलाओं की तरह हमारे रास्ते में हायल थे और उन्हें स्नो टाइगर और मारखोर तो शायद अबूर कर सकते थे लेकिन हम ना कर सकते थे। बिल्कुल वैसे ही स्कोले रोड पर चलते हुए इस दोपहर पानियों के बहाव की एक स्याह नाग और मर्ग आवाज़ मेरे कानों में उतरी और सामने एक बलाए नागहानी की तरह पत्थरों में शोकता झाग उड़ाता एक पागल कुत्ते की तरह कफ बिखेरता नाला था। उस पर किसी ज़माने में कोई पुल था जो अब बह चुका था। हम सब बहाव की उस तुंद और बलाखेज़ आफत के किनारों पर रुक गए और एक दूसरे की जानिब सवाल करने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि वो एक फनियर नाग की तरह सूख रहा था। यूं भी ये हमारा पहला बर्फानी नाला था इसलिए अभी इस किस्म की झनकार की हमें आदत नहीं थी। हम सब उसके किनारों पर जो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे उन पर बामुश्किल अपने आप को संभालते खड़े हो गए। कम अज़ कम मेरे लिए उसके पार जाना मुमकिन ना था। मैं अपने तजर्बे की बिना पर खूब जानता था कि उसके पानियों के तुंद और सरकश और बेदरेक बहाव के अंदर मेरे पांव टिक नहीं सकेंगे और मैं बाआसानी उसका हिस्सा बनकर बह जाऊंगा। सबसे पहले बका उसमें उतरा और उसके लिए कोई और चारा भी ना था कि वैदा उसे देख रही थी। वो तीन पोर्टरों के सहारे उतरा, उनके हाथ थामे हुए पोर्टर उसे सहारा देते हुए दो चार गज़ वे इख्तियार बहता हुआ और फिर संभलता हुआ और हम सब उसके लिए दुआएं मांगते हुए और वो मरकज़ी धारे में कुछ देर लड़खड़ाने के बाद दूसरे किनारे पर चला गया। जब मैं उस नाले या किसी पहाड़ी नाले के हवाले से दूसरे किनारे की इस्तलाह इस्तेमाल करता हूँ तो इससे शदीद गलत फहमी पैदा होने का ख़दशा होता है, यानी पढ़ने वाला
اپنے ذہن میں جو تصویر بناتا ہے اس میں کسی راوی یا چناب یا کم از کم کسی بڑی نہر کا دوسرا کنارہ ہوتا ہے، ایک پہاڑی نالے کا دوسرا کنارہ، بس دو چار ہاتھ ہی پرے ہوتا ہے، لیکن وہ دو چار ہاتھ ہوتے ہیں جب لبے بام کی قربت میں کمن ٹوٹتی ہے۔ آئیں صاحب، پورٹر نثار نے میرا کندھا پکڑ کر کہا۔ نثار ایک گلابی رنگت والا نہایت ملوک اور رنجیدہ سا پورٹر تھا جس کی ابھی مسیں بھیگ رہی تھیں، اور میں نے آج صبح اسے اسکردو میں دیکھ کر اسے چن لیا تھا کہ وہ مضبوط بدن کا تھا اور خاموش تھا۔ میں نے اسے ایسے ہی موقعوں کے لیے چن لیا تھا اور جانتا تھا کہ اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ نہیں صاحب، اس کے معصوم پہاڑوں کی سختی سے ڈسے ہوئے چہرے پر، ٹرانگو ٹاورز پر ڈوبتے سورج کی سرخی، ایسی حیا آئی، میں نثار حسین ہوں، مجھے تو ایک گھوڑا درکار ہے جو مجھے اس نالے کے پار لے جائے۔ اگرچہ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے میں ایک بادشاہ نے فریاد کی تھی کہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے، میری سلطنت کے عوض ایک گھوڑا، شاید اسے بھی کسی ایسے ہی پہاڑی نالے کا سامنا تھا جو اپنی سلطنت صرف ایک گھوڑے کے لیے قربان کرنا چاہتا تھا۔ اچھا وہ والا گھوڑا، نثار بہت خوش ہوا، سر ہلا ہلا کر راضی ہوا، ویسا گھوڑا تو میں ہوں۔ آئے صاحب، نثار کی پشت پر سوار ہو کر جب یہ پیر تسمہ پا نالے کے اندر گیا تو اس نوجوان کے طاقتور بدن پر جیسے پانی حملہ آور ہوتے تھے یلغار کرتے تھے اور زور ڈال کر اسے ایک پہلوان کی طرح گرانے کی کوشش کرتے تھے، اور جو کچھ نثار کے بدن پر گزرتی تھی وہ مجھ پر بھی گزرتی تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کشتی تھے۔ ان نالوں میں سے گزر جانے والے ہمیشہ ان کی تند اور سفید قربت المرگ وحشت کو بیان کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان میں سے گزر جانے والے ہی تو اسے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ صرف گزر جانے والے تو بس گزر جاتے ہیں اور باقی رہے نام اللہ کا۔ یہ ہمارا پہلا امتحان تھا، اس کے بعد ہم دوبارہ چلے تو قدرے خاموشی میں چلے، ہماری چل بلاہٹ بھی قدرے اوز زدہ ہو گئی، ہمارے جوگرز بھیگے ہوئے تھے اور راستے پر گیلے نقشے پاس سبت کرتے جاتے تھے۔ ٹریک میں ایک خاص مقام تک لطیفے چلتے ہیں، بے پرواہی اور عیش چلتی ہے، فکرے کسے جاتے ہیں، اور پھر ٹریک کا پہلا پہاڑی نالا یا اوپر سے آنے والا پہلا پتھر یا پہلا گلیشیئر یا دریا کے اوپر اٹکی ہوئی پہلی گیلری آتی ہے تو آوارگی کی شراب سے مخمور حضرات یکدم ہوش میں آ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ابھی ابھی والدہ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد جو چلتے ہیں تو قدرے خاموشی میں چلتے ہیں کہ خوف اور موت کی پہلی کومپل بدن میں پھوٹتی ہے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ پھر بلندی سے اترنے والے تیز پانی ہمارے راستے میں حائل ہو گئے، اگرچہ یہ پانی سیدھے ہمارے پہلو میں چنگاڑتے وحشی برانڈوں میں شامل ہو رہے تھے، لیکن زیادہ پرخطر نہ تھے اور ہم ان کے پار آسانی سے اتر گئے، یہاں تک کہ میں بھی اپنی اقلیم ایک گھوڑے کے عوض پیش کرنے سے بچ گیا، اور گھڑ سواری کی آزمائش کے بغیر اگرچہ ڈولتا اور بے اختیار ہوتا ان میں سے گزر گیا۔ ان کی یک بستگی کو برداشت نہ کرنے کے باوجود گزارا، لیکن گزر گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور دھوپ کم ہو چکی تھی، اور ہم اسکولے روڈ پر کسی حد تک آسانی سے چلتے جاتے تھے۔ ہمارے سروں کے اوپر چٹیل چٹانوں کے اوپر ایک سیاہ گلیشیئر جنم لے رہا تھا، اور نیچے ہمارے راستے میں آ کر برالڈو تک اتر رہا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے کہ یہ ہمارا پہلا گلیشیئر تھا اور نہایت شریف گلیشیئر تھا اور بے حد خاموش تھا۔ ہم دنیا کے طویل ترین گلیشیئر سلسلے کو عبور کرنے کے لیے آئے تھے، پولر ریجن کے باہر دنیا کے عظیم ترین برفانی مجموعے کو کراس کرنے کی نیت سے نکلے تھے، تو ذرا نیٹ پریکٹس کے لیے اگر پہلا گلیشیئر سامنے آتا ہے تو ہم خوش تو ہوں گے۔ دریائے برالڈو اگرچہ اسکولے روڈ سے ابھی ہم آگوش نہیں ہوتا تھا، ہمارے قریب نہ تھا، ایک وسیع گزرگاہ میں ہم سے پرے بہتا تھا اور اطمینان سے نہ بہتا تھا، لیکن اس کا شور مسلسل ہمارے کانوں میں اترتا تھا۔ تب میں نے اس وسیع گزرگاہ کے پار اپنے بائیں ہاتھ پر
دریا کے دوسرے کنارے پر جو تقریباً ایک کلو میٹر دور ہوگا ان چٹانوں کو دیکھا جس میں کسی زمانے میں اسکولے روڈ کھدی ہوتی تھی اور اب اوپر سے آتے پتھر اسے دفن کر چکے تھے تو وہاں ماچس کی تیلیوں جتنے دکھتے دو شخص ہاتھ ہلاتے تھے اور کچھ کہتے تھے۔ میں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا اور سر جھکا کر چلتا رہا۔